जैसे रूपा जी बात करेगा दाल दलहन के बाजार की, तो अब देख सुनने में आ रहा है कि जो सरकार है मूंग दाल की जो खरीद है अब उसमें बड़ा उसमें एक्सटेंड कर दी गई है डेट, 30 नवंबर तक करेगी उसकी खरीद। आपको क्या लगता है इसका असर बाकी दाल दलहन पर कितना पड़ता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, अभी जो दालों की कीमतों की अगर बात करें तो फिलहाल कीमतें जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी कोई बहुत ज्यादा मुझे मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि पल्सिस के अंदर अभी फिलहाल जो है बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी। आने वाले दिनों में थोड़ा सा दबाव जो है वो बना रह सकता है, चाहे वो चना हो या फिर अदर मूंग उड़द तुअर, इन सब में प्राइजेस जो है वो एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आगे इलेक्शन है तो इन चीजों की कीमतें अभी फिलहाल कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी। जी, ये सर रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन है इस बार ठीक ठाक बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन, और हमने लगातार साल दर साल चने का जो उत्पादन है वो बढ़ते हुए भी देखा है। लेकिन रूपा जी जहाँ पे उत्पादन बढ़ा है वहाँ पे चने की जो डिमांड है और जो सब खपत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई है। आपको क्या लगता है आगे जाके चने का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए, अभी डिमांड जरूर बढ़ी है तो प्रोडक्शन के अंदर भी हमने तेजी बढ़ते हुए देखा है। और अभी जो एरिया है वो भी बताया जा रहा है कि लास्ट 40 से 50% जो है काबुली चना इस साल का एरिया जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है प्राइजेस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है कि प्राइजेस अभी फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और रबी सीजन 2020-21 की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन जो है वो काबुली चने का गिरा है, 2.5 लाख टन के आसपास बताया जा रहा है कि उसके अंदर एक गिरावट आई है। तो डिमांड जरूर इस कमोडिटी की बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन वहीं कीमतों के ऊपर भी कंट्रोल होता हुआ नजर आया है। तो अभी कीमतें एक रेंज में कारोबार करती दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल प्राइसेस के अंदर डाउनसाइड ही बना रह सकता है, बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी,